काफी दिन बाद बैंक निफ्टी पर आज एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला है, जिसे हम कहते हैं जैकपॉट ट्रेड। नॉर्मली इस तरीके का मूव के लिए हम सारे ट्रेडर्स वेट करते हैं कि कब बैंक निफ्टी इस तरीके से एक मूव दिखा दे, ताकि वहां पर हम सभी ट्रेडर्स एक मोटा पैसा बना सकते हैं। आपको पता है बड़ी पैसा डेली नहीं बनता है, जैकपॉट ट्रेड्स डेली नहीं बनता है, बट ऐसे वाले दिन पर डेफिनेटली जैकपॉट ट्रेड्स बनते हैं जहां पर आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो ये था हमारा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स। 44,350 वाज आवर ब्रेकडाउन लेवल फॉर टुडे। उसके बाद देखो ऑन द वेरी फर्स्ट कैंडल हमें मिलता है एक सेल सिग्नल, सुपर सेल सिग्नल। तो व्हाट इज अ सुपर सेल सिग्नल, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे आपको चार अलग अलग इंडिकेटर मिलता है एक ही इंडिकेटर पर। वन इज पुल बैक, पुल बैक प्राइस एक्शन, पुल बैक मोमेंटम एंड पुल बैक रेंज ब्रेकआउट, उसके साथ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड स्टॉक स्क्रीनर। तो जब दो अलग अलग इंडिकेटर एक ही कैंडल पर सेल सिग्नल देता है उसे कहते हैं सुपर सेल। एंड राइट हैंड साइड में जो स्टॉक स्क्रीनर है यहां पर भी आपको सुपर सेल डिस्प्ले होगा। सो ऑन दिस सुपर सेल सिग्नल, जो कि हमारे ब्रेकडाउन लेवल के नीचे भी है, ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स का रैली दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो दोबारा बाई सिग्नल भी मिला है, विच इज अकॉर्डिंग टू आर सेटअप। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपने यहां पर एक अच्छा पैसा बना लिया है, देन ट्राई टू इग्नोर फर्दर सिग्नल्स। तो आज मैंने मल्टीपल वॉचलिस्ट शेयर किया था ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। मेरा फर्स्ट वॉचलिस्ट था 44,000 CE, जो कि स्कैल्पिंग ट्रेड था। 240 से उसने हाई लगाया 275। सेकेंड वॉचलिस्ट वॉज ऑन निफ्टी 18,750 PE, फ्रॉम 210 इट वेंट टू 260। एंड माई फाइनल वॉच लिस्ट वॉज ऑन 44,100 PE, 255 से इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 300। तीनों वॉच लिस्ट मिला के रफली मोर देन 100 पॉइंट्स। ये वॉच लिस्ट मैं एडुकेशनल पर्पज के लिए शेयर करता हूँ ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। निफ्टी के चार्ट भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। 18,621 बिलो दिस लेवल वी आर बेयरिश, एंड निफ्टी पर भी हमें ऑन द वेरी फर्स्ट कैंडल सुपर सेल मिला है। सुपर सेल सिग्नल मिलने के बाद देर वॉज अ शार्प फॉल इन निफ्टी। कुछ स्टॉक्स को भी बैकटेस्ट कर लेते हैं। एक्सिस बैंक की चार्ट है एंड दिस इज आर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर। तो एक्सिस बैंक पर हमें मिला एक डाउन साइड रिवर्सल। दिस इज द सप्लाई जोन, दिस इज द डिमांड जोन एंड दिस इज आर ट्रायंगल पैटर्न। ये सारे ट्रायंगल पैटर्न, डिमांड, सप्लाई जोन, इंडिकेटर अपने आप ही चार्ट पर प्लॉट कर देता है। तो एक्सिस बैंक ने सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे आ रहे हैं एक ट्रायंगल ब्रेकआउट के साथ। एंड आफ्टर दैट लुक एट दिस शार्प फॉल। एक्सिस बैंक 933 से ऑलमोस्ट 910 तक लो लगाया। इंडसइंड बैंक सिमिलर सिचुएशन, डाउनसाइड रिवर्सल। प्राइस ने सप्लाई जोन को छुआ, उसके बाद लुक एट दिस शार्प फॉल। सप्लाई जोन से रिवर्सल होते ही अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट्स मिला है इंडसइंड बैंक पर। भारती एयरटेल 915 की कैंडल पर हमें मिला एक बाय सिग्नल, बट सिग्नल के जो विक्स है ये ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है, सो वी विल नॉट एंटर इनटू दिस सिग्नल। उसके बाद 951 की कैंडल पर हमें मिलता है एक सेल सिग्नल, बट दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर सेटअप। जब आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे आपको सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो लिंक्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिए 1139 की कैंडल पर हमें मिलता है बाय सिग्नल, एंड सिग्नल कैंडल भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, विच इज अकॉर्डिंग टू आर सेटअप। उसके बाद आप देखो भारती एयरटेल फ्रॉम 823 ये कहाँ तक हाई लगाया, इट वेंट अप टू 888 एंड बिल्कुल जो हमारे सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को छूने के बाद जस्ट लुक एट दिस फॉल, एक ही कैंडल में कितनी बड़ी फॉल। तो अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।